का जो आईन है ना, उसमें हर हुकूमत की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे सूबाई हुकूमत हो, उनके रोल्स तयन है। अगर आप आईन देखेंगे तो आईन में भी बहुत क्लियरली फेडरल गवर्नमेंट का रोल पता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल उसमें दिया हुआ है, और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे आपस में डील करेंगी उसका भी एक पूरा चैप्टर है। मेरा हमेशा से यही कहना है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि अगर वो आईन पे चलेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी की हुकूमत किस जगह पे है। अनफॉर्चुनेटली मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है, जिसकी आईन में लिखा है कि हर 90 दिन के अंदर एक बार मीटिंग होना ज़रूरी है, पिछली मीटिंग उसकी 19 नवंबर 2018 को हुई थी, एक साल और तकरीबन एक महीने बाद 11 दिसंबर को दोबारा, बीच में जून में एक बार मीटिंग रखी थी या जुलाई में और वो पोस्टपोन कर दी थी, अब 11 दिसंबर को मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने रखी है। तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा ना जी, इस वक्त तक तो 5वीं मीटिंग ही होनी चाहिए थी। और जैसे मैंने कहा कि सूबों और वफाक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसका एक बहुत बड़ा फोरम ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है, अगर उसकी मीटिंग ही नहीं करेंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मामला ठीक हो, वो पॉसिबल नहीं है। मीटिंग अनफॉर्चुनेटली सिर्फ चेयरमैन जो कि